This story is brought to you by tapeatale.com. एक रोज मुझे मेरे दोस्त ने फोन लगाया. फोन उठाते ही वो मुझ पर चिल्लाने लगी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम होती कौन हो? मुझे आज के बाद तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी. हाय दोस्तों, मेरा नाम है हेली. मैं हूँ माधवी की सबसे अच्छी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड कितना अजीब होता है ना. तुम इन करोड़ों की भीड़ में अपनी छोटी सी जिंदगी में कुछ हजारों लोगों से मिलते हो. इन हजारों लोगों में से कुछ 100 लोग तुम्हारी जिंदगी की किताब पर पन्ने बनकर रह जाते हैं, और इन 100 चुनिंदा लोगों में से तुम चुनते हो एक सबसे प्यारा इंसान टू कॉल हर योर बेस्ट फ्रेंड. मगर ये क्या झोल है, अगर बेस्ट फ्रेंड है तो उसे रोज सुबह कॉलेज के लिए उठाओ, एग्जाम से पहले उसे पूरा सिलेबस पढ़ाओ, किसी से झगड़ के आए तो मन हल्का करो, रोए तो आंसू पोछो, हंसे तो खुशी मनाओ. उसकी जिंदगी के हर एक लम्हे को खूबसूरत बनाना तुम्हारी जिंदगी का मकसद सा बन जाता है. क्यों भला? अरे वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो ठहरी. मगर रिश्ते अक्सर प्यार और भरोसे से बने एक नाजुक पुल पर से गुजरते हैं. मैंने और माधवी ने भी अपनी दोस्ती का एक ऐसा ही पुल बनाया. नाके वाले रामू भैया की आइसक्रीम, लेक्चर में पास की गई वो चिट्ठियाँ, रात को चुपके से निकलकर 2 बजे वाली वो लॉन्ग ड्राइव्स, और कभी मौका मिल जाए तो अंकल के फ्रिज से चुराई हुई कड़वी सी बियर जो हम दोनों शेयर किया करते थे. कुछ ऐसे ही हमने हमारे पुल की नींव सींची थी. मगर रिश्ते की सड़क पर नफरत की बारिश का ऐसा कहर बरसा कि रास्ते के बीचों बीच उजड़े हुए कंकड़ दरार छोड़ गए. मुझे आज भी याद है वो दिन जब माधवी ने मुझे देखकर अपनी नज़रें फेर ली थी. मैंने सोचा चलो आज फिर देखने मिलेगा माधवी साहिबा का एक और ड्रामा. लेकिन माधवी तो फिर कभी दिखी नहीं. 14 इग्नोर्ड मैसेजेस, 13 मिस्ड कॉल्स, 3 एक्सीडेंटल मीटिंग्स पर वो 4 ऑकवर्ड स्माइल्स और 2 झूठ के बाद मेरे दिल की अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि कुछ तो गड़बड़ है. ऑर्डर ऑर्डर, माधवी को फ़ोन लगाया जाए. लेकिन माधवी ने फ़ोन नहीं उठाया. जब उठाया तो ये कहने के लिए कि मेरे पास अभी वक्त नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी. वक्त? दोस्तों वक्त से बड़ा क्रिकेट मैंने आज तक नहीं देखा. कभी किसी का अच्छा तो कभी बुरा. वक्त इतनी तेज़ी से रंग बदलता है कि बीते हुए और आने वाले के बीच का फ़र्क परखना मुश्किल हो जाता है. मेरे ख्याल में अगर वक्त को कोई समझ पाया है तो वही जिसका सारा वक्त ख़त्म हो गया हो. खैर, ना कभी माधवी को वक्त मिला और ना मुझे माधवी मिला. तो बस एक जवाब, मुझे अब तुम्हारे साथ वक्त बिताना पसंद नहीं, तुम बदल गई हो. वक्त फिर से मेरी 2 पल की ज़िंदगी के 4 टुकड़े करने चला आया था. वक्त मेरे अंदर के बदलाव को समझना इतना मुश्किल हो गया था कि माधवी की कही हुई हर बात उस बियर से भी कड़वी लग रही थी. साली गले से उतर ही नहीं रही थी. बस फिर क्या था, रात को आंसू और दिन में दिलासा, यही बन गई थी मेरी ज़िंदगी. रोज़ माधवी को अपने नए दोस्तों के साथ वक्त बिताते, हंसते मुस्कुराते देख मेरे मन में तो बस एक ही ख्याल आता था कि कभी मैं भी उसे ऐसे हंसाया करती थी, कभी वो भी मेरे लिए अपना वक्त जाया करती थी. लेकिन दोस्तों, ये इंसान उसूलों का पुतला तो नहीं. इरादे चाहे कितने भी नेक क्यों ना हो, अगर उन्हें जताने का तरीका सही नहीं तो खुदा भी अजान को आदत समझ लेता है. दिल तो मेरा साफ था लेकिन शायद मेरे शब्द मैले थे. मन तो मेरा नादान था लेकिन शायद मेरे वक्त के मन में खोट थी. सोचा अच्छा किया बुरा, अरे चोट लगी थी मुझे, खून निकल रहा था. टूटे हुए दोस्ताने की तपती धूप में मेरे वादों का बदन जल रहा था. लेकिन दोस्तों सच कहूँ तो कोई गिले शिकवे नहीं, क्योंकि जब नाते रुख बदलते हैं ना, तब हजारों माफियाँ भी गलतियों के सामने कम पड़ जाती हैं, और जब इंसान रुख बदलता है तो हजारों यादें भी उस बदलाव के सामने कम ही पड़ जाती हैं. शायद इसीलिए अब मुझे कोई गिले शिकवे नहीं. और वैसे भी वो फ़ोन पर ऐसे ही थोड़ी ना चिल्लाई थी कि मैं होती कौन हूँ. उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि मैं कोई नहीं होती. उसकी ज़िंदगी में इस वक्त और आने वाले हर वक्त में अब मैं कोई नहीं होती. दोस्तों, अगर इस कहानी से आप अपने साथ कुछ ले जा सकते हैं तो बस ये कि इरादे बदल जाते हैं, लफ्ज़ बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, खुदा भी बदल जाता है. जब इंसान का वक्त बदलता है ना, तो इंसान खुद भी बदल जाता है. धन्यवाद.